सो गाइस वेलकम बैक एंड गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग कैसे बना सकते हो एक लॉबी या फिर स्पॉन पॉइंट एंड पीपी एरिया अपने माइनक्राफ्ट के सर्वर में। सो देखो ये वाला सर्वर ना जहाँ प्लस पॉकेट होने वाले है, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं। बट अगर आप लोग को एक जहाँ प्लस पॉकेट सर्वर बनाते ही नहीं आता फुल सेटअप वाला, सो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बना के रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो भी देख लेना जिसमें मैंने बताया आप लोग कैसे बना सकते हो एक फुल सेटअप माइनक्राफ्ट का सर्वर। एंड गाइस आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि देखो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि हम लोग ना अपने सर्वर में लॉबी कैसे बनाए, स्पॉन पॉइंट कैसे बनाए, या फिर अपन लोग एक पीपी एरिया कैसे बनाए। सो देखो अपनी पहले से एक थंडर्स एसएमपी अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है, सो आईपीएन पोर्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो चाहो तो अपनी थंडर्स एसएमपी भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अपनी थंडर्स एसएमपी ना अपन लोगों ने ना स्पॉन पॉइंट बनाया हुआ है एंड एक पीपी एरिया बनाया हुआ है, जहाँ आप लोग को ना स्पॉन पॉइंट पे खाना मिल जाता है एंड आप लोग को गोल्डन शवल मिल जाती है लैंड क्लेम करने के लिए। सो ऐसा ही कुछ आप लोग लॉबी स्पॉन पॉइंट पीपी एरिया कैसे बना सकते हो माइनक्राफ्ट के सर में, यही मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस उससे पहले देख लेते आज की शाउट आउट कमेंट्स को। सो गाइस जय आज के शॉर्ट आउट कमेंट्स, एंड अगर आप लोग को भी शॉर्ट आउट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिए, फिर आप लोग को मिलेगा शॉर्ट आउट। एंड गाइस अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए चले आज के इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब बात कर रहे थे कि सबसे पहले आप लोग लॉबी कैसे बनाए, बट उससे पहले आप लोग को ना लॉबी की जितनी एरिया है ना उसमें लैंड क्लेम करनी पड़ेगी। आप लोग चाहे तो मेरी थंडर्स एसएमपी वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ मैंने बताया है आप लोग लैंड क्लेम, लॉगिन एंड रजिस्टर वो सब कैसे कर सकते हो। एंड गाइस अभी आप लोग को लैंड क्लेम करने के बाद उसी क्लेम में आप लोग को ना एक स्ट्रक्चर बना लेना है, जैसे आप लोग चाहो वैसे आप लोग एक बिल्डिंग बना सकते हो, छोटा सा ऐसा हाउस बना सकते हो जहाँ लॉबी में प्लेयर्स आने वाले। सो गाइस मैंने अभी छोटी सी लॉबी बना दी है, एंड गाइस मेरे को पता है बहुत गंदी दिख रही है, बट आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। मैं अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सो आप लोग को सिंपली चैट ओपन करके बाद सिंपली आप लोग को कमांड टाइप करना पड़ेगा /give@s, एंड उसके बाद आप लोग को command_block टाइप कर देना है। इसके मत से ना आप लोग को एक कमांड ब्लॉक मिल जाएगा, एंड उसके बाद आप लोग को ना सिंपली एक कमांड ब्लॉक से लगाना पड़ेगा, किसी भी जगह पे लगा सकते हो, कॉर्नर में या फिर मिडल पे। उसके मत से ना प्लेयर स्पॉन पॉइंट पे चले जाएंगे, एंड लॉबी एक ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो बना सकते हो, वरना नहीं बनाया ना लॉबी फिर भी चलेगा। तो आप लोग को थोड़ा सा दूर आके एक स्पॉन पॉइंट बना लेना, एंड हाँ आप लोग को जितनी भी चीज़ें ना आप लोग को सबसे पहले लैंड क्लेम करके ही बनानी है। मैं तो अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बट आप लोग को लैंड क्लेम करना एकदम नेसेसरी है, एंड लैंड क्लेम के लिए आप लोग को सिंपली ग्रीव प्रिवेंशन वाला प्लगइन लगाना पड़ेगा। तो मैं एकदम छोटा सा भी स्पॉन पॉइंट बना रहा हूँ, आप जितना चाहे उतना बड़ा एंड डेकोरेटिव बना सकते हो। एंड मैं जल्दी से अभी सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑन करके आ जाता हूँ। कोऑर्डिनेट ऑन करने के बाद आप लोग को ना सिंपली स्पॉन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स याद कर लेने, एंड उसके बाद आप लोग को लॉबी में आके सिंपली एक कमांड ब्लॉक लगा देना है, एंड वहाँ आप लोग को सिंपली /tp@p डाल के आप लोग को ना सिंपली अपने स्पॉन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाल देने। ये ना हर वर्ल्ड में अलग अलग होने वाले, सो अभी मेरे स्पॉन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 21996 एंड -164 है, एंड इतना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली एक प्रेशर प्लेट ले लेनी है, एंड उसके बाद आप लोग को सिंपली ना अपने कमांड ब्लॉक के ऊपर प्रेशर प्लेट लगा देनी है। एंड मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ या आप लोग को सिर्फ प्रेशर प्लेट ही लगानी है, या ना बटन या फिर लीवर काम नहीं करने वाला। एंड उसके बाद आप लोग चाहे तो साइन बोर्ड लेके ऊपर लिख सकते हो स्पॉन पॉइंट, ताकि लोगों को समझे कि ये ना स्पॉन पॉइंट के पास जाने का रास्ता है। जैसे आप लोग प्रेशर प्लेट पे क्लिक करोगे ना आप लोग देख सकते हो स्पॉन पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो अभी अपना लॉबी का काम खत्म हो चुका है, एंड अभी अपना ना स्पॉन पॉइंट एंड पीपी एरिया का काम बाकी है। या आप लोग ना सिंपली मिडल में कोई भी एक दूसरा ब्लॉक लगा सकते हो ताकि वो अच्छा दिखे। एंड मैं आप लोग को फिर एक बार बता देना चाहता हूँ जितना डेकोरेटिव बना सकते हो आप लोग को बनाना है, ये सिर्फ एक वीडियो इसलिए ना मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वरना वीडियो ना बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। एंड लॉबी में आप लोग को सिंपली आ जाना है, या सेट वर्ल्ड स्पॉन सिंपली ये कमांड डाल देना है, एंड उसके बाद जो भी नया प्लेयर ज्वाइन करेगा ना वो यहाँ स्पॉन हो जाएगा उस मिडल वाले ब्लॉक पे। एंड या आप लोग सिंपली रूल्स भी बना सकते हो, लॉबी में आप लोग सिंपली रूल्स एंड वो लिख सकते हो। अगर आप लोगों ने मेरी थंडर सेशन ज्वाइन की होगी तो आप लोग को पता होगा कि वहां ना आप लोग को एक गोल्डन शवल एंड आप लोग को ना कुछ फूड
फूड्स मिल जाता है स्पॉन पॉइंट पे। सो ये मैं अभी आप लोग को बताता हूँ स्पॉन पॉइंट पे आप लोग ये फूड एंड गोल्डन शवल कैसे ले सकते हो। सो भाई अभी देखो अपना लॉबी का काम तो खत्म हो चुका है, अभी आप लोग को सिंपली स्पॉन पॉइंट पे आ जाना है एंड ये आप लोग को दो कमांड ब्लॉक्स लगा देने एंड ये दोनों ना एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। सो गाइस उतना हो जाने के बाद आप लोग चाहे तो थोड़ा सा और डेकोरेट कर सकते हो एंड उतना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली ना साइन बोर्ड भी लगेगा एंड अब मैं आप लोग को सिंपली कमांड बता देता हूँ जिसके मदद से आप लोग को एक गोल्डन शवल एंड फूड मिलने वाला है। तो कमांड ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपली स्लैश गिव लिख देना है एंड उसके बाद आप लोग को स्लैश गिव लिखने के बाद @p डाल के आप लोग को सिंपली गोल्डन अंडरस्कोर डाल के शवल लिखना है। देखो इसमें गैप यूज नहीं करना है, आप लोग को अंडरस्कोर डाल के शवल यूज कर देना है और उसके बाद आप लोग को सिंपली वहाँ प्रेशर प्लेट लगा देनी है और ऊपर आप लोग सिंपली साइन की मदद से लिख सकते हो गोल्डन शवल, मतलब लोगों को समझेगा कि यहाँ से अपन लोग को ना गोल्डन शवल मिलने वाली है। तो भाई जितना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली फूड वाले कमांड ब्लॉक में आके सिंपली लिख देना है /give@p एंड मैं इसमें ब्रेड लिख रहा हूँ, आप चाहे तो कुक मटन बीफ जो चाहे वो लिख सकते हो एंड उसके आगे आप लोग को वैल्यू डाल देने जितने ब्रेड्स देने। तो मेरे को ना प्लेयर्स को 5 ब्रेड देने हैं, सो मैं /give@p ब्रेड एंड उसके आगे 5 लिख दूंगा एंड यहाँ पे आप लोग को सेम प्रेशर प्लेट लगा के या आप लोग को साइन बोर्ड पे ना सिंपली लिख देना है फूड एंड चाहे तो आप लोग इसको ना डाई कर सकते हो जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी देख सकते हो अपन लोग के दोनों कमांड ब्लॉक एकदम अच्छी तरीके से वर्क करने वाले एंड मिडल में आप लोग को ना सिंपली एक जो भी चाहे डेकोरेटिव ब्लॉक लगा सकते हो। सो इतना हो जाने के बाद प्लेयर जैसे ही प्रेशर प्लेट पे क्लिक करेंगे ना उनको सिंपली गोल्डन शवल एंड फूड मिल जाएगा एंड मैं आप लोग को फिर एक बार बता रहा हूँ यहाँ ना आप लोग को सिर्फ प्रेशर प्लेट ही यूज करनी है, बटन्स एंड लीवर इस सर्वर में काम नहीं करने वाले। सो अब चलते हैं अपन लोग पीयूपी एरिया की तरह। तो भाई सबसे पहले आप लोग को ना वहाँ पीयूपी एरिया में भी लैंड क्लेम कर देनी है एंड उसके लिए आप लोग को ना सबसे पहले लैंड क्लेम किए हुए जगह में ना आप लोग को सिंपली एक ऐसी बाउंड्री बना देनी है एंड उसकी हाइट भी आप लोग को सिंपली एक्सटेंड कर देनी है। एंड गाइस सबसे मेन बात ये आती है कि आप लोग को इसके लिए ना पीपी प्रोटेक्शन वाला प्लगइन लगाना पड़ेगा जिसकी मदद से /pp ऑन डालने के बाद पीपी ऑन हो जाएगी एंड /pp ऑफ डालने के बाद पीपी ऑफ हो जाएगी। सो गाइस मैंने इसके ऊपर अभी सिंपली ग्लास लगा दिए एंड यहाँ आप लोग को ना सिंपली इस ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेने, स्पॉन पॉइंट के मिडल का ब्लॉक है ना उसका एंड यहाँ आप लोग को सिंपली कॉर्नर में आके ना यह एक कमांड ब्लॉक लगा देना है, मैंने पहले से लगा दिया है एंड यहाँ आप लोग को सिंपली पीपी एरिया में आके /tp लिख देना है एंड वहाँ आप लोग को सिंपली @p डाल के अपने जो स्पॉन पॉइंट के मिडल का ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स देखे थे ना या फिर नोट किए थे ना वो आप लोग को सिंपली यहाँ डाल देने। तो गाइस कोऑर्डिनेट्स डाल देने के बाद आप लोग को सिंपली उसके ऊपर प्रेशर प्लेट डाल देनी है एंड आप लोग ऊपर सिंपली साइन भी लगा सकते हो गो बैक, मतलब लोगों को समझेगा पीपी हो जाने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ से वापस स्पॉन पॉइंट पे जा सकते हो। एंड गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली फेंस ले लेनी है एंड फेंस लेने के बाद आप लोग सिंपली या ऐसे एक दो ब्लॉक्स लगा सकते हो बाजू में। एंड गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोग सिंपली या पीपी एरिया के बाहर लिख भी सकते हो /pp ऑन टू ऑन पीपी एंड /pp ऑफ टू ऑफ पीपी ताकि लोगों को समझे अगर पीपी करनी है तो हमें ये कमांड डालना पड़ेगा एंड अगर पीपी ऑफ करनी है तो हमें ये वाले कुछ कमांड्स डालने पड़ेंगे। मैं आप लोग को और एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे आप लोग पीपी प्रोटेक्शन वाला प्लगइन लगाओगे ना दोनों प्लेयर्स को /pp ऑन करना पड़ेगा ताकि उनकी पीपी ऑन हो जाए एंड वो पीपी कर सके एंड पीपी हो जाने के बाद वो सिंपली /pp ऑफ से अपनी पीपी ऑफ कर सकते हैं एंड इसके मत से ना कोई भी दूसरा प्लेयर उनको मार नहीं पाएगा एंड वो भी दूसरे प्लेयर्स को मार नहीं पाएंगे। सो गाइस इतना हो जाने के बाद अपना लास्ट काम आ जाता है कि हमें ना और एक कमांड ब्लॉक लगा देना है स्पॉन पॉइंट पे एंड यहाँ आप लोग को ना सिंपली कमांड ब्लॉक को ओपन करके ना सिंपली आप लोग को पीपी एरिया के कोऑर्डिनेट्स उसमें डाल देने और उसके बाद आप लोग को /tp करके @p डाल देना है और उसके बाद आप लोग को सिंपली अपने पीपी एरिया के कोऑर्डिनेट्स वहां डाल देने, मतलब जैसे कोई स्पॉन पॉइंट पे आएगा वो सिंपली उस प्रेशर प्लेट पे क्लिक करके पीपी एरिया में चला जाएगा। सो गाइस इसके बाद फाइनली आप लोग की SMP रेडी हो जाएगी एंड आप लोग याद रखना कि आप लोग को ना पीपी ऑन करने के लिए कमांड्स डालने पड़ेंगे एंड आप लोग को ना ये सब ना अपने लैंड क्लेम में ही बनाना है, मतलब सबसे पहले आप लोग को लैंड क्लेम करनी है और उसके बाद ये सब बिल्ड्स बनाने वरना लोग ना ये सब तोड़ के चले जाते हैं। सो गाइस यही थे आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आप लोग कैसे बना सकते हो लॉबी स्पॉन पॉइंट या फिर पीपी एरिया अपने माइनक्राफ्ट के सर्वर में एंड ये बहुत ही ज्यादा कूल लगने वाला है जैसे आप लोग के फ्रेंड या फिर कोई भी माइनक्राफ्ट प्लेयर जो आप लोग की SMP ज्वाइन करेगा। एंड गाइस 10 अक्टूबर को एक स्पेशल वीडियो आने वाली है क्योंकि देखो 10 अक्टूबर को है मेरा बर्थडे एंड उसी दिन एक वीडियो आएगी कैसे आप लोग बना सकते हो एक फुल सेटअप माइनक्राफ्ट का सर्वर जो कि एक लंबी वीडियो होने वाली है, मेरे हिसाब से ना वो 18 to 20 मिनट्स की वीडियो होगी एंड लिटरली वो वीडियो देखने के बाद आप लोग को ना
कोई भी दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली कि आप लोग कैसे बना सकते हो एक फुल सेटअप माइनक्राफ्ट सर्वर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 10 अक्टूबर को आने वाली है एक स्पेशल वीडियो एंड हमारा गोल है 10K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना इस ईयर के एंड तक। सो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। We'll be right back.